Hello everyone, this is Yogita and you're watching English Finishing School. Friends, IELTS Speaking Part 2 is all about cue cards. And cue cards ki jo journey hoti hai, it starts from the basic speaking skills where you improve many things like pitch, pace, speed, presence of mind. तो आज के इस फर्स्ट वीडियो में हम एक जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं विच इज़ अबाउट डिस्कसिंग द क्यू कार्ड्स ऑफ ईयर 2021 एंड द फर्स्ट क्यू कार्ड विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज वीडियो इज फर्स्ट डे एट स्कूल. तो क्यू कार्ड्स के बेसिक एलिमेंट्स की बात करेंगे, क्यू कार्ड्स के अंदर अपने आप को किस तरह से आप एक्सप्रेस कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे और वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी एक सैम्पल आंसर which will help you score the best in IELTS speaking test. So let's get started. IELTS speaking part 2 which is all about cue card. So sabse pehle jante hain ki cue card hota kya hai. Cue card, cue means signal. To yahan pe aapko ek card ki form mein ek signal or ek topic diya jata hai aur uske niche likhe hoti hain kuch question statements. Like, for example, our cue card is first day at school. You should say, where was it? What happened? Explain how you felt. तो इस तरह का जो cue card है, आपको examiner hand over करता है और आपको एक मिनट का time दिया जाता है उस पूरे cue card के ऊपर 2 मिनट तक बोलने के लिए. यानी कि total जो time रहता है, वो 3 minutes रहता है. तो 1 मिनट के लिए आप अपनी talk को structure करते हैं और उसके बाद 2 मिनट के लिए आपको बोलना होता है. तो अक्सर जो गलती कैंडिडेट्स करते हैं कि वो जो 1 मिनट का जो टाइम है ना, दैट इज़ वेरी प्रोडक्टिव और उस टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाते. उस 1 मिनट के अंदर वो उन आइडियाज़ को कलेक्ट नहीं कर पाते कि वो 2 मिनट के लिए बोल पाए. एंड हेयर दे फेल एंड दे आर नॉट एबल टू स्कोर वेल इन दिस क्यू कार्ड टास्क. सो चलिए इस टास्क को आसान करने वाले हैं आज के इस वीडियो में और एंड तक देखिएगा इस वीडियो को क्योंकि वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे एक सैम्पल आंसर विच विल हेल्प यू स्कोर द हायर बैंड इन IELTS स्पीकिंग पार्ट 2. सो दिस इज अ क्यू कार्ड फर्स्ट डे एट स्कूल, राइट? एंड जब हम इसको 1 मिनट के लिए सोच रहे हैं इस टॉपिक के ऊपर, आपको भी पता है आप भी एक दिन स्कूल गए थे विच वॉज योर फर्स्ट डे एंड आई ऑल्सो हैड माई फर्स्ट डे एट स्कूल. बट डू वी रियली रिमेंबर दैट डे? अगर मैं अपने फर्स्ट डे ऑफ स्कूल को याद करूँ तो मुझे अच्छे से याद नहीं आता. तो अगर आपको वो अच्छे से दिन वो याद नहीं है तो आप अपने सेकेंडरी स्कूल का फर्स्ट डे भी बता सकते हैं. यू कैन इवन डिस्क्राइब द फर्स्ट डे ऑफ एनी सेशन. न्यू सेशन के दिन जब आप फर्स्ट डे स्कूल जाते हो, आपको कोई भी क्लास का फर्स्ट डे याद आता है, आप वो भी बता सकते हैं. सो देर आर ब्रॉड कैटेगरीज. इट इज़ नॉट दैट द फर्स्ट डे इन योर चाइल्डहुड, बट नॉर्मली वट काइंड ऑफ फीलिंग्स हो जब हम फर्स्ट डे जाते हैं. अभी पैंडमिक के बाद भी बहुत से बच्चे पहली बार स्कूल गए 1 ईयर के बाद. सो दे वर डिफरेंट फीलिंग्स इन द माइंड ऑफ चिल्ड्रन. दे वर एक्साइटेड टू मीट देयर फ्रेंड्स, राइट? एंड दे वर ऑल्सो एक्साइटेड टू एंटर इन टू दैट बिल्डिंग विच दे हैड नॉट सीन लाइक फॉर मैनी मैनी डेज. तो चलिए नॉर्मली अगर मेरी मम्मा की बात करूँ तो मेरी मम्मा अक्सर ये एक्सपीरियंस शेयर करती हैं कि जब तेरा फर्स्ट डे का स्कूल था, यू नो, क्या क्या उस टाइम प्रॉब्लम्स आई थी या क्या क्या उनको फेस करना पड़ा था, किस तरह का मेरा बिहेवियर था. नॉर्मली हमें याद नहीं रहता लेकिन हमारे पेरेंट्स हमें बताते हैं दिस इज़ हाउ वी बिहेव्ड. तो आपके मम्मा ने भी आपको डेफिनेटली कुछ बातें बताई होंगी कि आप उस दिन रोए थे, आपके पास सब कुछ नया था, पापा ने नया बैग ला के दिया था, नई वाटर बॉटल थी, नई स्टेशनरी थी. तो उन चीज़ों को देख के आप एक्साइटेड तो थे बट जब आया दिन तो आप ऑब्वियसली रो रहे थे, आप नहीं जाना चाहते थे क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ था जब मम्मी पापा से अलग हो रहे थे, राइट? तो उस तरह की चीज़ें जो हैं मम्मा आपको बताती हैं और कुछ चीज़ें आपको याद भी होती हैं, वेग मेमोरी में कुछ धुंधली सी यादें जो आपको याद होती हैं कि वहाँ के स्कूल की वॉल्स कैसी थी इनिशियल डेज ऑफ द स्कूल में. तो वो उस तरह से आप बातों को याद करके अपना जो क्यू कार्ड है आइडियाज़ को ब्रेनस्टॉर्म करके उसके पैरेलल आइडियाज़ को लिख सकते हैं सो दैट यू कैन स्ट्रक्चर योर 2 मिनट स्पीच. अब बात आती है 2 मिनट के ऊपर जब बोलना है. जब 2 मिनट के ऊपर बोलना है, ऑफकोर्स मैं अपनी फीलिंग्स बताने पे जाऊँ तो मैं 2 मिनट तक शायद स्ट्रक्चर नहीं कर पाऊँ. तो आप इंट्रोडक्शन यानी कि जर्नल आइडिया, जो टॉपिक का जर्नल आइडिया है कि स्कूल,
इसके अंदर जो कीवर्ड हमारे पास आ रहा है स्कूल. स्कूल कैसा होता है? स्कूल लेज अ स्ट्रांग फाउंडेशन. स्कूल हमारे लाइफ में बहुत अच्छी और स्ट्रांग फाउंडेशन क्रिएट करता है. और स्कूल डेज की जो मेमोरीज होती हैं दे आर द मोस्ट ट्रेजर मेमोरीज ऑफ अ चाइल्डहुड, राइट. तो हम उस तरह से इंट्रोडक्शन के ऊपर एक मिनट तक या हाफ 30 to 40 seconds हम उस पर स्पेंड कर सकते हैं. और उसके बाद हम जर्नल चीज़ को डिस्कस कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वेयर वॉज इट? आपको अपना स्कूल डेफिनेटली याद होगा कहाँ था. सो यू कैन इंक्लूड दैट क्वेश्चन आंसर आफ्टर द इंट्रोडक्शन एंड गिविंग अ जर्नल आइडिया अबाउट स्कूल डेज. देन वट हैपन्ड ऑन दैट डे? प्रोबेबली आपके पास सब कुछ नया था. सो यू आर वेरी एक्साइटेड. यू आर वेरी फैसिनेटेड टू सी ऑल द स्टेशनरी. दीज आर सम गुड फीलिंग्स विच यू कैन टॉक अबाउट. एंड यू आर वेरी एग्जूबरेंट. एग्जूबरेंट का मतलब होता है बहुत जोश से भरा हुआ था. टू गो टू स्कूल, टू मीट न्यू फ्रेंड्स, टू सी अ न्यू बिल्डिंग. एंड देन यू आर ईगर टू लर्न. आप नया कुछ सब कुछ सीखना चाहते थे. यू आर ऑल्सो ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव. कई बार होता है कि आप बहुत पॉजिटिव फील करते हो. येस, इफ़ योर चाइल्ड हैज़ बीन ट्रेंड इन सच अ वे कि आपको लगता है कि आपको स्कूल से बिल्कुल डर नहीं लगता. कई बच्चे होते हैं बिल्कुल नहीं रोते, और कई बच्चे इतना ज़्यादा रोते हैं दैट दे आर नॉट एबल टू सेटल देमसेल्व्स इन द फर्स्ट डे ऑफ द स्कूल. तो चलिए, ये तो कुछ पॉजिटिव फीलिंग्स हो गई. पर कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो नेगेटिव फीलिंग्स होती हैं, मिक्स्ड फीलिंग्स होती हैं हर सिचुएशन में. अगर आप वेडिंग भी अटेंड कर रहे हो तब भी मिक्स्ड फीलिंग्स होती हैं. वी कैन नॉट नेवर बी सेम थ्रू आउट अ सिचुएशन, राइट. सो वी आर ऑलवेज हैविंग मिक्स्ड फीलिंग. तो कुछ नेगेटिव फीलिंग्स भी थी. लाइक यू कैन से आई वॉज रिलक्टेंट. रिलक्टेंट का मतलब थोड़ा हेजिटेट था. मैं थोड़ा हिचकिचा रहा था. स्कूल की बिल्डिंग बहुत बड़ी थी. सो आई वॉज रिलक्टेंट टू एंटर इन टू अ स्ट्रेंज प्लेस. And as I was going out of my comfort zone and anxious, I was worried. I was worried what would happen when I would meet my new teachers, when I would meet my new friends. Then exhausted, that you can describe. When you came back from school, I was completely exhausted and I slept for 4 hours, 5 hours as my mother tells me. Aapko yaad nahi hai, mama batati hai ki tu pura din school se aake soya raha tha. Then I was timid and shy to meet new friends. I was not very open. I felt reserved. So whatever your nature is, aapki jo basic nature childhood mein thi, so as your mother tells you, so you can tell that else well. Uske baad you can also share about the building. What kind of a building you had seen at that time? The building was beautiful. It was a red sandstone building. Jo bhi aapko building school ki yaad aati hai, you can also describe the walls of the classroom. You can describe and talk about the behavior of the teachers. Teachers were very friendly. They welcomed the children with some decorated their boards to welcome them. They were there at the main gate to receive the school children. So all these things hum ispe describe kar sakte hain. So your feelings have come. Your what happened? You also can tell what happened on that day and then where was it. So this is how you proceed talking about first day at school. So let us now discuss the model answer for this cue card, which I'm sure is definitely going to help you score a higher band in IELTS speaking test. So before we proceed with the model answer, do not forget to hit the like button if this video was a bit helpful to you, and subscribe our channel and hit the bell icon so that you get all the notifications about our future videos, as we are going to record a complete series of IELTS speaking cue cards 2021. So let's get started. Well, school days are the most treasured moments in everyone's life. The school lays a strong foundation in the shaping of a personality, building of a strong character. Though I don't clearly remember my first day at school, but as my mother tells me, I studied in an elementary school in Mandi Dabwali, where I was born and brought up. It was a small red stone building and beautiful building having around a strength of 2000 students. And my first day at school was a blend of positive and negative feelings. I was very excited as it was the first day of my school, and I was carrying everything new, like new school bag, new stationery, new uniform. But parallel to that, my feelings were quite negative, like I was very reluctant to get into that school building.
On the first day of the school, my father dropped me at the gate and I was not ready to get inside to that building as it was a strange place for me. For the first time, I was going out of the comfort zone. For the first time, I was separating from my parents. So I was crying a lot. And I was constantly holding my father's hand that I would not enter. But as I entered into the school, I saw other children. Some were crying and some were quite calm. But gradually we settled into that environment. We learnt many new things and I was quite eager to learn. And it was like a dream come true for me as I met new teachers who were very friendly, who were welcoming us with a lot of chocolates, candies and beautiful decorated boards. The walls were quite colorful and I was super excited to experience that moment. So this was all about my first day at school and I still have faint memories of that and I feel nostalgic whenever I think about it. This was all about IELTS QCAT first day at school. And we are going to bring a complete series, as I already mentioned, about 2021 QCATs. So get ready, stay tuned with us, subscribe our channel and click on the little bell icon to get all the updates about our upcoming videos. Bye-bye.